वीडियो से जुड़ने वाले सभी साथियों का मैं आयुर्वेदिक गुरुजी चैनल में अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आजकल ब्लैक फंगस हम सबके बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आज मैं फंगस से ब्लैक फंगस की जीवनी, लक्षण, संक्रमण और उपायों के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, फंगस एक टिड्डी दल के समान होता है जो पल भर में हरी भरी फसल के खेतों को चट कर जाता है। फंगस सदियों से हमारे बीच में दूषित वायु, जल, धूल, मिट्टी, सड़े गले खाद्य पदार्थों, गंदगी के ढेर व सीलन भरी जगहों में पाया जाता है। हमारे शरीर में किसी भी तरह का इंफेक्शन, दांतों में पाइया वगैरह भी एक तरह का फंगस ही है। फंगस अपने संक्रमण के दौरान व्यक्ति के संक्रमित जगह को काला कर देता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन्हीं लोगों को यह अपना शिकार बनाता है। इसीलिए कोरोना महामारी के बाद में यह हम सबके बीच में चर्चा में आया। ब्लैक फंगस के मुख्य लक्षण आंख, नाक व मुंह में देखने को मिलते हैं, जैसे आंखों में चारों तरफ लाल रंग के घेरे, आंखों में दर्द, आंखों में सूजन व आंखों से पानी आना, नाक से लाल व काले रंग का तरल डिस्चार्ज होना, नाक की हड्डी में दर्द होना, जबड़े में एक तरफा दर्द या सूजन होना, या मुंह से खांसते वक्त लाल रंग का तरल डिस्चार्ज होना आदि। कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, इसके निशाने पर ज्यादा आते हैं, या जिन लोगों ने कोरोना संक्रमण के दौरान स्टेरॉयड दवा का गलत समय उपयोग किया या बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन किया, इसकी चपेट में आते हैं। कुछ अन्य लोग भी ब्लैक फंगस की रेडार में आते हैं, जिनको पहले से कुछ तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे HIV पॉजिटिव व्यक्ति, हार्ट पेशेंट, डायबिटीज के मरीज जिनकी हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, या कैंसर के मरीज, बजाय एक सामान्य व्यक्ति के, इन लोगों को ब्लैक फंगस से अधिक खतरा होता है। मेरी पहले से बीमार व्यक्तियों या कोरोना संक्रमण से ठीक हुए व्यक्तियों को एक सलाह है कि अगर ब्लैक फंगस के थोड़े से संक्रमण का भी आपको आभास होता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उपचाराधीन हो जाए। अब बात करते हैं एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की। दोस्तों, अगर कुछ उपाय एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन अपने दिनचर्या में अपनाए, तो किसी भी तरह का फंगस उन लोगों का बाल विवाह नहीं कर सकता। जैसे रात को सोते समय आंख में एलर्जी की दवा डालना, शहद या गुलाब जल की ड्रॉप डालना, नाक में गाय का घी या सरसों का तेल की ड्रॉप डालना। दोस्तों,
अगर सरसों के तेल और नमक का मंजन हम प्रतिदिन करते हैं, फिटकरी के पानी या नमक के पानी से हम गरारे करते हैं, या प्रतिदिन नीम की दातुन करते हैं या नीम की दातुन को चबा चबा कर थूकते हैं, तो हमें ब्लैक फंगस से काफी हद तक निजात मिल सकती है। हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आगे के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।